मध्य प्रदेश जिलेवर सीरीज में आज का जिला है कटनी। कटनी जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कटनी जिले में चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसी कारण इसे हम चूने की नगरी के नाम से भी जानते हैं। 25 मई 1998 को कटनी को जबलपुर से पृथक कर एक अलग जिला बनाया गया, यानी पहले ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता था, उसके बाद कटनी जिला को जबलपुर से अलग कर दिया गया 25 मई 1998 को। इसके बाद कटनी जिले में सलेमनाबाद है, वहाँ पर संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है, वैसे तो जबलपुर में भी बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी अन्य देखते हैं। बहोरी बंद, इस तहसील में अनेक स्मारक मौजूद हैं। जैन तीर्थकर भगवान शांतिनाथ जी, सूर्य भगवान, भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। रूपनाथ, यहाँ पर मौर्य काल की भगवान की शिव की पंचशील प्रतिमा है, यानी मौर्यकालीन भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पर है। साथ ही रामकुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड भी प्रसिद्ध है। तो रूपनाथ ये एक स्थान है जो मौर्यकालीन यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है। तिगावन, तिगावन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 1500 वर्ष पुराना सपाट छत वाला मंदिर, यानी एकदम सिंपल वाला, और 30 अधिक मंदिरों के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ और नरसिंह की प्रतिमा भी स्थित है जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कटनी के और प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं तो झिंझरी के शैलाश्रय जो पत्थरों के बने हुए हैं, रूपनाथ के अभिलेख, रूपनाथ यहाँ पर चूंकि पहले से ही है, तिगावन, सलेमनाबाद जो कि संगमरमर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहोरी बंद। अब हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो नरसिंह और पार्श्वनाथ का मंदिर है, तिगावन, जैन मंदिर, बोहरी बंद आदि। इस प्रकार से कटनी जिले की ये प्रमुख जो स्थान थे और जो महत्वपूर्ण तत्व थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें बताएगी। कटनी जिला सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि चूने का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको चूने की नगरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पान भी होता है जिसको हम बिलहरी पान के नाम से जानते हैं। तो ये भी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी कटनी जिले के लिए। अब कटनी जिला चूँकि जबलपुर से अलग हुआ है तो जबलपुर में हम जानते हैं कि संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए कटनी जिले में भी संगमरमर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। तो इस प्रकार से कटनी जिला की जो जानकारी थी महत्वपूर्ण, ये हमने उपलब्ध कराई। कटनी जिले से अन्य संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं तो कटनी जिले के बोहरी वन तहसील में मौर्य सम्राट अशोक के समय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं अशोक जो थे यहाँ संबंधित थे। कटनी जिले का चूना सफ़ेदी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कटनी जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, डीजल लोकोमोटिव शेड भी बनाया गया है। कटनी का झिंझरी अपने प्रागैतिहासिक काल के लिए बहुत प्रसिद्ध एक जिला है, जहाँ पर शैल चित्र जो है पाए जाते हैं और 14 विशाल मेंढक के आकार की चट्टानें भी यहाँ पर हैं। कटनी जिले में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, जैसा कि बताया डोलामाइट, बॉक्साइट, फायर क्ले और लैटराइट। तो ये जो खनिज हैं कटनी जिले में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन के दृष्टिकोण से उपयोग हैं, जिसमें से डोलामाइट जो बहुत ही उपयोगी है, बॉक्साइट भी यहाँ पाया जाता है, लैटराइट एक प्रकार की मिट्टी टाइप में का पत्थर होता है लाल कलर का, वैसा मिलता है ये। तो ये जो कटनी जिले के महत्वपूर्ण उत्पादन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं वो बन सकते हैं इसमें से क्वेश्चन में।